बटावा में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लोगों की माने तो गंदगी का आलम यह है कि खजूरी गेट के पास कूड़े को आग लगाकर दम करने से अब तक करीब 8 लोगों की बीमारियों से मौत हो चुकी है और कुछ लोग कैंसर और अन्य बीमारियों से भी ग्रस्त हो चुके हैं। लेकिन प्रशासन है कि गहरी नींद सोता दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर लोगों ने आज और बीमारी से ग्रस्त लोगों के पारिवारिक सदस्यों ने प्रशासन के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। सांस सांस की प्रॉब्लम है, मेरा सांस रुकता है जब जहाज पे गंदगी की बदबू आती है ना। 3 महीने में पहले भी मार रही हूँ, परसों का फिर मेरा वो ही हाल हुआ। हाँ जी, साड़ी बिना नान लगती सी, वो भी ऐसे रोग ना मरे ने, पुष्पावंती ही उन्होंने नाम। वही बदबू का कारण कूड़े करके या कूड़ा कटकट डस्ट लगाते हैं, लिफाफे को आग लगाते हैं जिसकी स्मेल हमसे सही नहीं जाती। असी मांगे ही करने हैं, इतने कूड़ा नहीं लगना चाहिए, इतने साफ सुथरा होना चाहिए, जैसे दूसरों के मोहल्ले साफ सुथरे हैं ऐसा ही रहे। साह का नुकसा है और मैं पंप लै के दिन च 2 बारी पंप लेना तो फिर मेरा साह इतने आता। प्रशासन को कई बार गए हैं, उन्होंने अगे अपनिया डिमांडा रखिया कि इतने कूड़े को मकाया जाए, लेकिन इतने कोई भी कूड़े को मकान लिए प्रशासन अगे नहीं आता, बल्कि इतने कूड़े को लगाने वाले वो तो वे अगे आ रहे हैं। और कुछ ही 4-5 दिनों तो इतने फिर उन्होंने प्रशासन ने जगह बनाई है और कूड़ा डंप करने वास्ते उन्होंने कहा कि दोबारा इस जगह दे विच खजूरी गेट दे विच कम से कम 10 महल्लों का कूड़ा इतने अज तो 2-4-5 दिनों तक डंप करना शुरू अही कर रहे हैं। जागृति लहर के लिए बटाला से विक्की मलिक की रिपोर्ट।